हेलो फ्रेंड्स, यूपीटीईटी 2019 की जो नई एग्ज़ाम डेट है 8 जनवरी घोषित होने के साथ ही उसके नए एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट updlaed.gov.in पर जाके देख सकते हैं कि यूपीटीईटी 2019 के नए जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। वो रिलीज हो चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको एडमिट कार्ड निकालने हैं। आप जब updlaed.gov.in ये जो वेबसाइट डाल देंगे उसके बाद आपके सामने ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा, ये जो दिया हुआ है यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर वेबसाइट फिर से ओपन होगी, तो वहाँ पर नीचे जाके आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्या देखना है? यूपीटीईटी रजिस्ट्रेशन, यूपीटीईटी एडमिट कार्ड, यूपीटीईटी रिजल्ट। तो अभी हमें देखना है यूपीटीईटी एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पर फिर से क्लिक करेंगे। एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद ये जो ओपन होके आएगा, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट यूपीटीईटी एडमिट कार्ड, या फिर ऑब्जेक्शन फॉर क्वेश्चंस, या यूपीटीईटी रिजल्ट। ये सभी पुराने हैं, तो ये जो नया है यूपीटीईटी प्रिंट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्लिक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ ऑप्शन आएगा डालने के लिए, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर OTP जो आपको पासवर्ड मिला होगा पहले जब आपने फॉर्म फिल किया होगा OTP, और ये जो कैप्चा है ये यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, लॉगिन कर देना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा, उसे आप प्रिंट ले लीजिए। और प्रिंट लेने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम वाले दिन यानी कि 8 जनवरी को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइए। अपना एडमिट कार्ड एक बार चेक कर लें पहले से कि उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, कितने बजे से एग्ज़ाम है, और एडमिट कार्ड में नीचे ही लिखा हुआ है कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, वो सभी तैयारी कर लें और वह लेकर आएँ। धन्यवाद दोस्तों।